हम बात कर रहे हैं आईने के करुबियम की। देखिए बहुत इजी चैप्टर है आयनिक इक्विलिब्रियम। शुरू करते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम एक इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट को लेकर चलता है, और रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में एक भी अगर आपके पास आयन हो गया तो आप उसको क्या नाम दोगे? आयनिक इक्विलिब्रियम। समझ में आ गई बात? तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एक भी आयन हो गया तो आप आयनिक इक्विलिब्रियम बात करोगे। और इसी तरह से हम इसमें जो भी कॉन्स्टेंट हमारे क्रिएट्स होते हैं वो सब आयनिक से रिलेटेड ही कांस्टेंट कहलाते हैं, भले वो आयनिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो या कुछ भी हो। तो चैप्टर में हमारे को कुछ मैथ्स की जरूरत होती है, जैसे लॉग और एंटी लॉग आपको देखना आना चाहिए, थोड़ी सी कॉन्सेप्ट्स की जरूरत होती है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ हमें कब पता चला कि आयनिक इक्विलिब्रियम नाम का कोई चैप्टर होता है, जब हमें आयन दिखे। और हमें आयन दिखे तो उस कंडीशन में हमारे पास बेसिक थ्योरीज क्लियर होने लगी कि हमें पता चला पहला कि दो तरह के हमारे पास आते हैं आयन्स बनते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट की वजह से आयन्स बनते हैं, और आयन जब भी बनते हैं तो हम इलेक्ट्रोलाइट को भी डिफाइन कर देते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे, लिखते जाओ जल्दी से ज्यादा, इन्हें रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल का मतलब दोनों तरफ से जा रहा है, इन्हें केमिकल रिवर्सिबल रिएक्शंस। इफ आयन्स आर प्रेजेंट, आयन्स आर प्रेजेंट, देन रिएक्शन कॉल्ड आयनिक रिएक्शंस एंड इक्विलिब्रियम कॉल्ड आयनिक इक्विलिब्रियम, देन रिएक्शन कॉल्ड आयनिक रिएक्शंस, आयनिक रिएक्शंस एंड इक्विलिब्रियम कॉल्ड आयनिक इक्विलिब्रियम। मुझे सिर्फ दो टूल्स चाहिए इस चैप्टर को समझाने के लिए, एक तो मैथ्स वाला टूल जिसे आपको समझ में आ जाए, और दूसरा जो टूल मेरे को चाहिए मैथ्स में मतलब वो सब आ गया लॉग वगैरह, और दूसरा आयंस के बारे में नॉलेज। तो मैं पहले आयंस के बारे में नॉलेज देता हूँ, और जो मैथ्स वाले टूल्स है जो कैलकुलेशन है वो तो आपको समय समय पर मैं बताता जाऊंगा इस चैप्टर में जैसे जैसे चलेगा। तो आयंस कैसे जनरेट होते हैं, तो अगला टॉपिक यही आएगा फॉर्मेशन ऑफ आयंस, फॉर्मेशन ऑफ आयंस। आयंस जनरेट होते हैं आयनिक कंपाउंड्स है, और आयनिक कंपाउंड्स पानी में डिजोल्व होते हैं तो आयंस जनरेट करता है। तो दो तरह के आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड एक होते हैं आयनिक कंपाउंड्स को हम आयंस में डिसोशिएट होते देखते हैं तो हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और एक हो जाएगा आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर होता है तो वह आयन बनाएगा और ज्यादा क्वांटिटी में बनाएगा, और वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो वो कम बनाएगा। मान के चलिए सबसे पहला जो एग्जांपल आपके दिमाग में आएगा वो NaCl है, NaCl Na+ और Cl बनाता है, पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है। और जब वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे तो आपके दिमाग में आएगा CaCCOOH, वीक एसिड, जो कि CaCCOO- और H+ बनाता है। तो एक आइडिया मैं बताता हूं, अगर आपने 100 NaCl लिया तो 100 यानी 100 के 100 पूरे आयंस में टूट जाएंगे, जबकि अगर आपने 100 CaCCOOH लिया तो आपके पास 1 और 2 ही टूटेंगे, यानी कि कितना परसेंट आयनाइज हुआ है, 2%, 5%, 3%, बहुत कम होते हैं, कुछ तो हजारों में से एक टूटते हैं, यानी 0.1% आयनाइज हुआ है। तो इस लेवल के भी होते हैं, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा क्या हो जाएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट। आ रही है बात समझ में? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% आयनाइज होगा और वीक इलेक्ट्रोलाइट पार्शियली आयनाइज होगा। चलिए ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या आएगा, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस हैं, जितने भी सॉल्ट्स हैं, वो सब यहाँ आएंगे। वीक इलेक्ट्रोलाइट में आपको सॉल्ट नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि सॉल्ट तो आयनाइज होता है 100%। आपको क्या देखने को मिलेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, वीक इलेक्ट्रोलाइट में वीक एसिड, वीक बेस देखने को मिलेंगे, या कुछ कंपाउंड होंगे जो कि डी ब्लॉक के होंगे, डी ब्लॉक के हैलाइड, हाइड्रोक्साइड, ये पार्शियली आयनाइज होते हैं। तो डी ब्लॉक देखते ही आपको ये आएगा, एस ब्लॉक देखते ही आपको दिमाग में ये आना चाहिए। अच्छे से समझ में आ गया? तो हम इस तरह से इसको देखते हैं कि हम ये चैप्टर किसके लिए पढ़ रहे हैं, क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए पढ़ रहे हैं, तो मैं बता दूं नहीं, क्योंकि ये 100% आयनाइज्ड है तो इक्विलिब्रियम क्या होगा। तो हम कहां पढ़ रहे हैं, जहां पार्शियली डिकम्पोज हो, और जहां पार्शियली डिकम्पोज होता है वहीं इक्विलिब्रियम आता है। समझ में आ रहा है? और चैप्टर पूरा का पूरा शिफ्ट किस पे हो गया, वीक इलेक्ट्रोलाइट पे, वीक एसिड, वीक बेस के लिए।
समझ में आ रही है बात? तो हम यहां पर पढ़ेंगे वीक एसिड और वीक बेस के लिए पूरा चैप्टर, मजे में यही चलेगा। तो ये तो रहा एक पार्ट कि आपका चैप्टर किसके लिए है पक्का, और इसीलिए मैंने यहाँ रिवर्सिबल बनाया, यहाँ पर इरिवर्सिबल, क्योंकि जब 100 टू 100 कन्वर्ट हो रहा है तो क्या बोलोगे, इरिवर्सिबल। और यहाँ क्या हो रहा है, 100 में से 10 इधर गए, बस 10 तो बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, 5 गए, तो यानी कि वो 5 जो गए वो वापस मिलकर ये भी बना रहे हैं और ये इसमें बना रहे हैं, दोनों तरफ चेंजेस हो रहा है और इसी को हमें पढ़ना है। इसके बारे में मेरे को इतना पढ़ना है कि मेरा सारा काम चल जाए। तो अगला पॉइंट होता है कि क्या वाटर भी डिसोशिएट होता है? भाई देखो, अगर आप देखोगे कि वाटर डिसोशिएट होता है तो हाँ होता है, वाटर भी H प्लस और OH में बनता है, लेकिन किस रेशियो में होता है? तो ये मान के चलिए मैं थोड़ा सा आइडिया बताता हूँ, 10^7 में से एक पार्टिकल आपको डिसोशिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है या उससे भी कम, तो बताओ क्या डिसोशिएट हुआ? हुआ भी और नहीं भी हुआ। क्यों? क्योंकि आप किस लेवल पे सोच के बोल रहे हो उस अकॉर्डिंग बात कर रहे हो, समझ में आ रहा है? तो यही हमारे पास हो रहा है कि कुछ कंपाउंड्स क्या जो हुए भी और नहीं भी हुए उनके बारे में हमें आईनी की कुल में पढ़ना चाहिए, हाँ पढ़ना चाहिए, हमें तो सबके बारे में पढ़ना है। तो चलिए, तो हमारा अगला पॉइंट हो जाएगा, सबसे पहले डिसोसिएशन लिखते जाओ, डिसोसिएशन ऑफ वाटर H2O, H2O भी डिकम्पोज होता है OH- और H+। अगर यही काम चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम होता तो मैं इसको बोलता ही नहीं, नॉन डिसोशिएट, लेकिन चैप्टर चेंज, डिसोसिएशन हो रहा है, करोड़ों में से एक हो रहा है, 10^7 में से एक हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। तो क्या हो रहा है हमारे पास, मैं आपको बता दूं, मान लीजिए इसकी कंसंट्रेशन सी है, इसकी कितनी है, जीरो है, और इसकी भी क्या होती है, जीरो, हमेशा ध्यान रखना पक्का। तो मैं इतना सा पढ़ना है कि अगर सी है तो सी में से पूरे तो होंगे नहीं, हमेशा मैं डिकम्पोज कैसे लिखता हूँ, मान लीजिए इसका अल्फा परसेंट डिकम्पोज हुआ, कितना अल्फा, तो कितना डिकम्पोज होगा, अल्फा एक पे हो रहा है, परसेंटेज का मतलब तो यही है, तो इस पर इसका कितना डिकम्पोज होगा, सी अल्फा। मेरे मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, मेरा 10% लूट गया तो कितना हुआ, 1 करोड़ का 10, तो क्या बोलोगे, सी अल्फा, तो इसका कितना खत्म हुआ है, सी अल्फा, एक पर अल्फा तो सी पे सी अल्फा, तो बचेंगे कितने, C-C अल्फा, तो इसके जो खत्म होंगे वो मोल लगा दो, बाकी सारा काम मोल का, सी अल्फा बनेगा, बोलो यस और नो, यस और नो। तो ये हमारे पास हो गया डिसोसिएशन ऑफ वाटर पक्का। इतना डिसोसिएट होने के बाद ये डिसोसिएशन खत्म, अब नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अगर स्ट्रांग होता तो पूरा होता। तो जब ये अब इससे ज्यादा नहीं हो रहा है तो इस जगह हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट। अब इससे ज्यादा नहीं हो रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट। और इक्विलिब्रियम स्टेट होता है तो इक्विलिब्रियम स्टेट पर हर चीज अब क्या हो गई, कॉन्स्टेंट हो गई, फिक्स हो गई या नहीं हो गई। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो वो कांस्टेंट है, हो गया, क्योंकि यहां अब हमारे पास कंसंट्रेशन क्या हो गई, कांस्टेंट, सब चीजें हो गई, इसी को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं, खत्म, किसी को कोई दिक्कत? तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, लेकिन ये कांस्टेंट कब होती है, जब इक्विलिब्रियम आता है, जब इक्विलिब्रियम ही नहीं आया तो डिकम्पोज होता रहेगा। मान लीजिए मेरे पास 10^9 रुपीज है, कितने है? 10^9 रुपीज, क्या इसका मतलब कितना है, मेरे पास बिलियन रुपीज है, और मुझे मालूम है कि जिस दिन मेरे 1 करोड़ रुपए खत्म हो जाएंगे, यानी 10^7 रुपीज खत्म हो जाएंगे, उस दिन उसके बाद में नहीं दूंगा, तो शुरुआत में मैं दूंगा, दूंगा, रिएक्शन चल रही है, 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 जैसे ही 1 करोड़ रुपया खर्च हुआ मैंने बंद कर दिया, सामने वाले को देना, तो सामने वाले के पास कितने होंगे, 10^7, मेरे पास कितने, 10^9 - 10^7, यानी देखा जाए तो अब मेरे पास 99 करोड़ रुपए रह गए। तो सामने वाले की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट हो गई, मेरी भी कांस्टेंट हो गई, क्योंकि मैंने दिया ही नहीं तो उसके पास आएगा नहीं, तो इस रेशियो को हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पक्का। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया, सी अल्फा दिस पक्का। तो इस जगह क्या इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, हाँ, क्या इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, हाँ, क्या इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, हाँ, सबकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। तो बताइए H प्लस की कंसंट्रेशन क्या है, वही है जो OH की है, अलग हो ही नहीं सकती, जब दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है, और वो कितनी है, सी अल्फा, और ये वैल्यू प्रैक्टिकली हमने निकाल ली, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डिसोसिएशन है इसलिए निकाल ली, हर एक की नहीं निकालते, ये वैल्यू आती है 10^-7, कितनी आती है, 10^-7। तो आप मुझे बताओ कि
क्या एच प्लस की वैल्यू 10^-7 आ रही है इस जगह? हाँ आ रही है। तो आप मुझे बताओ इस जगह के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको डिसोसिएशन कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, वो कितना होगा? जल्दी से बोलो, 10^-7, 10^-7। समझ में आ रहा है? हो गया। और सी एल्फा माइनस करोगे सी में से तो क्या बचेगा? सी बचेगा, नेक्लिजिबल हो गया ये। मैंने कहा ना, अगर मेरे पास 10^9 रुपीज है और उसमें से सपोज 10^3-4 रुपीज खत्म भी हो गए, क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं पड़ेगा। सपोज 10^3 रुपीज खत्म हो गए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10^4 रुपीज हो गए तो भी खत्म। तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा? C माइनस C अल्फा की जगह क्या लिख दूंगा? C लिख दूंगा। वहां क्यों नहीं लिख रहा था, जीरो क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि वहां मल्टीप्लाई हो रहा था, यहां क्या हो रहा है? सब्सट्रैक्ट हो रहा है। कोई चीज कितनी छोटी हो, सब मल्टीप्लाई हो रही है, नेग्लिजिबल नहीं करेंगे। डिवाइड करेंगे, नेग्लिजिबल नहीं करेंगे। एड हो रहा हो या सब्सट्रैक्ट हो रहा हो, नेग्लिजिबल करेंगे। कर दिया मैंने। अब वाटर की सी क्या होती है? प्योर वाटर की आपको याद नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, मान लीजिए 1 लीटर है, 1 लीटर पानी का मास कितना होता है? जल्दी बोलो, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम होता है तो मोल कितने हुए? 18। 1000/18 पक्का। और वॉल्यूम कितना होगा? 1 लीटर। तो मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, क्या मोलरिटी नहीं होती? होती है। तो 55.4, बाकी तो सब खत्म। तो ये तो हो गया 10^-14/55.4। ये आ गया आपके पास के डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर। इज दैट क्लियर? इसमें और भी टर्म है जो आपको साथ के साथ पढ़नी है। क्या ये कांस्टेंट है? हाँ। तो क्या चलता है राउंड फिगर में? कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है? राउंड फिगर में मैंने लिख दिया। तो आज आपके को एक और चीज नहीं सीखने को मिली है, प्योर वाटर की कंसंट्रेशन कितनी होती है? 55.4। ये इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि अमाउंट क्या है। अगर आपने 1 लीटर की जगह 2 लीटर लिया होता तो यहाँ मास कितना होता? 2000/18 मोलर मास तो वही रहता अपॉन 2 लीटर। 10 लीटर लिया होता तो भी वही रहता। यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ प्योर वाटर इनडिपेंडेंट ऑन क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो ये आपके पास दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट अगर हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की, कर लो, बहुत आसान है। थर्ड पॉइंट कैसे हम करेंगे देखो, कैसे देखते हैं हम थर्ड पॉइंट? क्या इस जगह आयन की कंसंट्रेशन यानी प्रोडक्ट ऑफ आयन, प्रोडक्ट ऑफ आयन, इसको ब्रैकेट लगाते क्या हो गया? आयन कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ आयन कंसंट्रेशन, क्या ये कांस्टेंट होगा? हाँ, ये हमारे पास हो गया। कितना हो गया ये? एक तरह से देखा जाए तो एच प्लस और ओ एच माइनस। बताइए ये वैल्यू कितनी है सी अल्फा की वैल्यू? तो दो बार लिखोगे इससे अच्छा है एक बार ही लिख दो, 10^-14। ये आयन, इसका नाम क्या रखोगे आप? KW। नाम अलग अलग रखना पड़ेगा। तो KW की फुल फॉर्म क्या है? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। वाटर लिखना जरूरी है क्यों? क्योंकि सब्सटेंस चेंज, आयन चेंज, आयन चेंज, प्रोडक्ट चेंज। तो यहां आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कितना है? दिस, बोलो यस और नो। अच्छा, अल्फा कितना है? प्योर वाटर, प्योर वाटर है, ध्यान रखना। अल्फा कितना होगा? सी अल्फा की वैल्यू कितनी है? नेक्स्ट पॉइंट, अल्फा कैसे निकालोगे? क्योंकि हम जानते हैं सी अल्फा की वैल्यू कितनी है, 10^-7। मैंने बताया 10^-7 है और सी की वैल्यू मैं बता चुका हूं 55.4। तो बताओ अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? बस कैलकुलेशन हम करते रहेंगे, बात की बात है। तो क्या अल्फा बता सकते हो वाटर के लिए, प्योर वाटर के लिए? ये बिल्कुल सही है। सी बता सकते हो? हाँ। अल्फा बता सकते हो? हाँ। के डब्ल्यू बता सकते हो? हाँ। के डिसोसिएशन बता सकते हो? हाँ। तो ये सब चीजें आप बता सकते हो। एच प्लस कंसंट्रेशन बता सकते हो? हाँ। कितनी है? 10^-8। ओ एच कंसंट्रेशन बता सकते हो? हाँ। ये चीज हमारे पास हो गई। वाटर के अलावा सब्सटेंस लेंगे, आगे पढ़ेंगे, अभी तो वाटर तो पढ़ लें ढंग से, एक एक करके करेंगे। तो क्या हमारे पास ये पूरा चीज समझ में आ गई? तो यहां हमारा मेन काम हो गया, लेकिन कुछ और चीजें चाहिए थी मेरे को। मुझे ये समझ में आया सबसे बड़ी बात कि मेरा ये पूरा चैप्टर उन इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो वीक है, और जो वीक होते हैं उनकी कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। तो ये बात समझ में आ गया कि मैं बार बार 10^-7, -6, -5 लिखूंगा, मेरी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि आप क्या चाहते हो,
मैंने कहा मैं इतनी बड़ी कैलकुलेशन को इजी करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा बहुत आसान है। उन्होंने कहा आप एक नया कंसेप्ट करो जिसका नाम है पी। मैंने कहा पी का मतलब क्या होता है? उसने कहा पी का मतलब होता है माइनस लॉग, जैसे पीएच, पीएच का मतलब हो गया माइनस लॉग एच प्लस कंसंट्रेशन, पीओएच इसका मतलब माइनस लॉग ओएच कंसंट्रेशन, पीकेडब्ल्यू माइनस लॉग केडब्ल्यू। तो मैंने कहा इसके लिए तो मेरे को लॉग की नॉलेज होनी चाहिए। उन्होंने कहा हाँ, तो लॉग के लिए मैंने अलग से आपको बना ही रखा है, एक लेक्चर लिया भी और बता भी रखा है, अपलोड भी कर रखा है। आप जानते हैं लॉग कैसे देखते हैं, जो नहीं जानते उनके लिए क्या आप को लॉग का मतलब बेसिक सा आना चाहिए, जो कि उसके बाद आपके लिए बहुत आसान होता है। तो बताइए शानदार तरीके से, वाटर के लिए, प्योर वाटर के लिए मैंने कुछ और लिया ही नहीं, पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस लॉग 10^-7, यही हो जाएगा। तो कितना आएगा? 7। और पीओएच कितना हो जाएगा? माइनस लॉग, क्योंकि वो भी 10^-7 होता है, कितना हो जाएगा? 7। और पीकेडब्ल्यू कितना हो जाएगा? माइनस लॉग 10^-14, 14 पीकेडब्ल्यू। तो मेरे को एक तरह से एक वैल्यू हो गई, पीएच 7, पीओएच 7, पीकेडब्ल्यू 14। तो ये बात तो क्लियर हो गई। पी के डिसोसिएशन में नहीं यूज करता, काम ही नहीं आता कहीं, तो निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा कर सकते हो। लेकिन एक और कंसेप्ट है जो मैं आपको देना चाहूंगा, बहुत जरूरी है स्पीड फास्ट करने के लिए। तो ये आपके लिए हो जाएगा एक तरह से स्पीड कैसे बढ़ाई जा सकती है। आपके पास अगर कोई वैल्यू है 10 की, समझना क्या वैल्यू है आपके पास कोई भी कंसंट्रेशन से किसी भी आयंस की, और वो दे रखी है ए इंटू 10^-b अपॉन सी। बस काम आपको चलाना है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो पीएच की वैल्यू क्या होगी। पीएच, पीएच क्या होगा? माइनस लॉग दिस, माइनस लॉग पूरा ये वैल्यू आ जाएगा ए इंटू 10^-b अपॉन सी। लेकिन इतना भी नहीं, आप और जल्दी लिख सकते हो, जो माइनस वाली पावर है उसको बी सीधा का सीधा लिख लो, और जो मल्टीप्लाई है माइनस लॉग ए प्लस लॉग बी। बस अगर आपने ये जल्दी कर लिया तो आप औरों से 10 गुना तेज स्पीड पे आ जाओगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पर लॉग सी आएगा क्योंकि नीचे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई आयन की कंसंट्रेशन दे रखी है, एग्जाम्पल एच प्लस दे रखा है 2 × 10^-4 अपॉन 3, बताओ पीएच क्या होगा? आपने 4 − log 2 + log 3, ये ऊपर वाला माइनस और नीचे वाला 10, और बस आपको वैल्यूज पकड़नी है। 4 − log 2 की वैल्यू 0.3010, 4771 जितनी आ रही है खटाखट कर दीजिए आप, 1. मेरे ख्याल से राउंड फिगर में 17। तो क्या आप कर सकते हो? हाँ कर सकते हो। तो जितनी तेज आपका काम चलेगा उतना ही मेरे को अच्छा लगेगा। चलिए ठीक है, तो ये आपको निकालना आना पड़ेगा अगर कभी H प्लस की कंसंट्रेशन ये दे रखी है और पीएच पूछ रहा है। ठीक है, तो आपके पास ये बहुत सही कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट, आपको एक और काम करना पड़ेगा, अगर पीएच दे रखी है और H प्लस पूछ रहा है, पीएच दे रखी है और H प्लस पूछ रहा है, कैसे समझ रहे हैं हम? पीएच दे रखा है और H प्लस पूछ रहा है, तो पता है H प्लस क्या होगा? डायरेक्ट जो भी दे रखा हो उसको −10^-pH लिख दो। जैसे कभी आपको एग्जाम्पल, आपको H प्लस दे रखा है 2 × 10^ नहीं, H प्लस की कंसंट्रेशन नहीं, पीएच दे रखा है आपको 2 दे रखा है, तो H प्लस कंसंट्रेशन कितना होगा जल्दी बताओ? खत्म, 10^-2। और अगर आपको पीएच 3 दे रखा है, लेकिन अगर आपको पीएच 3.3 दे रखा है, पहले तो ऐसे लिखो, समझना बात को, 3.3 लिख लिया। अब इसको क्या करो, इससे बड़ा वाला इंटीजर लिख के और प्लस 0.7 करो, फिर उसके बाद 10^-4.7 ऐसे कर लो, इतना तो कर सकते हो। यहां क्या करा है मैंने? मैथ्स लगाइए, समझ में आया? मैथ्स लगाइए, डायरेक्ट लगाया, बड़ा वाला इंटीजर लेके प्लस कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, 0.7 में देखूंगा, मैंने जो लॉग टेबल छोटी छोटी याद रखी है, 0.6695 का था, 0.695 का था, तो 10^-7 का मतलब हो गया 5 × 10^-4, ये आंसर आ गया आपका। अगर यहां 0.84 होता 7 आता, 0.9030 होता 8 आता, 0.4771 आता 3 आता, तो खत्म। यही मेरी,
और अगर पॉइंट उसके आसपास वैल्यू होती तो मैं भी उसके आसपास लिख देता, यानी कि यहां पर 0.72 होता, 5.1 लिख देता, समझ में आ रहा है? और नीचे ऑप्शन पे नजर मारता वो करता तो मेरे लिए बहुत आसान होता। अब एक और की कॉन्सेप्ट जो आपके लिए बहुत जरूरी है, नहीं उस पे मैं आ रहा हूं, अगर पीएच की कंसंट्रेशन देखे और ओएच पूछा जाए तो हम क्या करेंगे? अभी तो हमें पीएच देखे एच प्लस पूछ रहा है, या पीओएच देखे ओएच पूछा जा रहा है तो ये कर रहा है। मुझे किसी ने बोला कि एच टू ओ डिकम्पोज हो रहा है एच प्लस और ओएच पे, मैंने कहा ठीक है। मुझे ये भी बताया गया कि के डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है, एच प्लस और ओएच में रहती है, बराबर बोलो यस और नो। अगर प्योर वाटर है तो H प्लस और OH बराबर होंगे, लेकिन अगर प्योर वाटर नहीं है बाहर से एसिड मिला दिया जाए तो दोनों बराबर नहीं होंगे। लेकिन फिलहाल में अगर दोनों प्रॉपर, अगर दोनों बिस्लरी है तो H OH बराबर होंगे और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं है तो आप तब भी ये तो लगेगा H प्लस बाहर से मिल रहा है वो अलग बात है। अब एक सेकेंड के लिए सोचो कि हर जगह माइनस लॉग ले लिया जाए तो इसको क्या लिखूंगा मैं, माइनस लॉग लेती पी के डब्ल्यू पी एच प्लस पी ओ एच, क्या मैं लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? दोनों तरफ माइनस लॉग लेते ही तो पी के डब्ल्यू इक्वल टू दिस। और अगर अब आपको एच प्लस पी एच दे रखे और पीओएच पूछा जा, वो सॉरी ओएच पूछा जा रहा है, तो पहले पीओएच निकालो फिर उसके बाद करो। तो एग्जांपल कर लेते हैं, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, आप देखो एच प्लस जैसे आपको दे दिया पीएच, एग्जाम्पल समझना, पीएच दे दिया आपको 2.3 और आपसे पूछा जा रहा है OH concentrations क्या है। तो दोस्तों सबसे पहला काम pH और POH की PKW की मदद से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। आप जानते हो POH क्या होगा, PKW सॉल्यूशन चालू हो गया आपका, PKW माइनस pH 14 माइनस 2.3, तो 3 माइनस करो, माइनस करना मेरे से सीखो। जब 14 में से 2.3 माइनस करेंगे तो जो बड़ा इंटीजर है वो माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे 3, 14 में से यानी 14 में से 3 माइनस हुआ तो कितना बचाओ 11, और जो बचा है वो ऐड करेंगे 0.7। तो माइनस करना भी मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है ऐसे करेंगे। अब 11.7 आपके पास आ गया तो OH concentrations क्या होगी, 10^-11.7 इसको ऐसे लिखेंगे, और 0.3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 × 10^-12, क्योंकि 10^0.3 मैंने पहले ही बता दिया 10, बस खत्म, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए माइनस करना मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर गलती बच्चों से माइनस में ही होती है और कोई नहीं होती, खत्म। अब बात की बातें हमारे पास आ गए, हमें पीएच और पीओएच में नॉलेज हो चुकी है। एक और हमारा नया टॉपिक आ रहा है और वो है पीएच स्केल। मैथ्स अच्छी चाहिए, पीएच स्केल पढ़ना है, बचपन से भी हम पढ़ते आ रहे हैं पीएच स्केल होता है कुछ होता है। हमने अभी तक किलोमीटर स्केल देखा है, मीटर देखा है, फिट देखा है, स्केल देखा है, सेंटीमीटर वाला अलग होता है, फिट वाला अलग होता है, यस और नो? पक्का? कई बार स्केल देखते हैं एक तरफ फिट होता है और एक तरफ क्या होता है सेंटीमीटर, तो हम अलग अलग स्केल बोलते हैं, वैसे ही पीएच अलग स्केल है। तो पीएच स्केल किसके लिए काम आता है, क्या ये टाइम बताता है? नहीं। क्या ये डिस्टेंस बताता है? नहीं। क्या ये डेंसिटी बताता है? नहीं। तो ये बताता क्या है, कंसंट्रेशन किसकी, एच प्लस की। क्या ओएच की बता सकते हैं? हाँ, क्योंकि हम जानते हैं पीएच प्लस पीओएच 14 होता है। तो पीएच स्केल क्या बताता है, ये एच प्लस या ओएच माइनस दोनों में से किसी की भी कंसंट्रेशन या दोनों की कंसंट्रेशन बताता है, ये काम आता है। तो पीएच स्केल अपने आप में एक स्केल होते हुए भी डिस्टेंस नहीं बताता, ठीक है। तो पीएच स्केल के बारे में हम बात करते हैं, पीएच स्केल एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर कितना है मान लो 300 केल्विन के आसपास, 300 केल्विन के आसपास ही मैं आपको बता रहा हूं H2O डिकम्पोज होता है, किसमें, H प्लस में और OH माइनस में, और यहां 10^-7 और यहां 10^-7 होता है, समझ में आ रहा है? और यहां से स्टार्ट होके ये स्केल हमारे पास यहां आता है, जहां हमारे पास पीएच की वैल्यू 7 आती है तो वो हमारे लिए न्यूट्रल पॉइंट कहलाता है। ये हमारे इस तरफ जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, यानी एसिड बढ़ता है, और इस तरफ जाने पे बेस बढ़ रहा है। जैसे ही आपने बिस्लरी के पानी में
आपने एसिड मिलाया, पीएच इस तरफ जाएगी, और एनओएच मिलाया, पीएच इस तरफ जाएगी, क्योंकि ओएच की कंसंट्रेशन बढ़ती है, ओएच की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो ये इस तरफ जाएगा, और एच प्लस कंसंट्रेशन बढ़ती है तो पीएच की वैल्यू कम होती है। तो कुल मिला के इस तरफ जाने पर एच प्लस कंसंट्रेशन बढ़ती है तो आप ही बताइए, माइनस लॉग एच प्लस कम होगा या नहीं होगा? होगा, माइनस की वजह से कम होगा। और इस तरफ जाएंगे तो OH कंसंट्रेशन बढ़ेगी, OH कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो माइनस लॉग OH कम होगा, यानी POH कम होगा, POH कम होगा तो pH बढ़ेगा। यहां इस तरफ आएंगे तो pH अपने आप में कम होगा। तो ये मैक्सिमम कितना जा सकता है? 14, क्योंकि KW हमारे पास 14 है, और मिनिमम कितना आ सकता है हमारे पास? 0। तो हमारा स्केल यहां तक रहता है, इससे कम और इससे ज्यादा हमारे पास नहीं देखने को मिलता वाटर के अंदर खासतौर पे। तो दोस्तों यहां हमारे पास एक बहुत अजीब सी बात आ रही थी कि क्या हमारा स्केल यही रहेगा? बिल्कुल, लेकिन अगर टेम्परेचर चेंज कर दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, देखते हैं। तो पीएच स्केल एट 350 केल्विन, पीएच स्केल एट 350 केल्विन, अगर 350 केल्विन की अगर हम बात करें तो ये पीएच स्केल कैसे जाएगा? देखो आप बताओ, क्या H2 डिकम्पोज नहीं होगा? होगा। क्या पहले से ज्यादा होगा? और भी ज्यादा होगा, जो लेकिन दोनों की कंसंट्रेशन बराबर रहेगी। बिस्लरी का पानी है, टेम्परेचर बढ़ा दिया, डिकम्पोज बढ़ गया, ये अब आ गया 10^-6, और ये भी कितना आ गया 10^-6, दोनों 6-6 हो गया, बस ये फर्क पड़ा है। तो अब आपका स्केल छूट गया, छोटा हो गया, न्यूट्रल पॉइंट क्या हो गया? 6 हो गया, 0, और यहां पर कितना आएगा? 12, ये न्यूट्रल पॉइंट हो गया। तो इस जगह अगर 6.5 है तो बताओ मीडियम क्या कहलाएगा? बेसिक। इस जगह पक्का, जबकि यहां 6.5 होता तो क्या कहलाता आपको? एसिडिक। तो आप मेरे को बताइए, क्या पीएच स्केल वेरिएबल होता है? हाँ होता है टेम्परेचर के साथ, लेकिन अगर टेम्परेचर 300 फिक्स है, एक दो प्लस माइनस करते कोई फर्क नहीं पड़ता, तो लगभग फिक्स है, तो पीएच स्केल भी क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। तो अब आप मेरे को बताइए न्यूट्रल पॉइंट की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? न्यूट्रल पॉइंट इज द पॉइंट एट विच H प्लस कंसंट्रेशन 10^-7। क्या ये डेफिनेशन हर जगह लग रही है? नहीं, टेम्परेचर चेंज। दूसरा पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट इज द पॉइंट एट विच H प्लस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू OH माइनस कंसंट्रेशन। क्या ये हर जगह लगती है? हाँ, भले ही फिर टेम्परेचर कोई भी हो। यहां पर 10^-6 है तो दोनों की 6 है, 10^-6। यहां 10^-7 है तो दोनों की 10^-7 है। तो न्यूट्रल पॉइंट की डेफिनेशंस, अगर आपको टेम्परेचर फिक्स कर दिया 300, तो आप बोल सकते हो कि न्यूट्रल पॉइंट पीएच 7 वाला न्यूट्रल पॉइंट होता है, लेकिन टेम्परेचर फिक्स नहीं है तो फिर आपको डेफिनेशन दूसरी वाली यूज करनी पड़ेगी। न्यूट्रल पॉइंट इज द पॉइंट एट विच एच प्लस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू OH माइनस कंसंट्रेशन। कोई समझ में आया मेरी बात? तो ये आपको समझ में आ गया, लेकिन हाँ ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। क्या हम जनरलाइज बता सकते हैं इतने बढ़ने पर क्या होगा? तो हाँ बता सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर मेरे को और बहुत सारे पैरामीटर चाहिए रहते हैं, तो वो वाले क्वेश्चन हम यहाँ नहीं कर पाते। अब इतनी हाई लेवल की कैलकुलेशन हमारे सिलेबस में अब है नहीं, लेकिन आपका क्वेश्चन सही है, हाँ हम बता सकते हैं कि टेम्परेचर चेंज होने के साथ किस तरह से चेंजेज होगा, लेकिन वो कैलकुलेशन अब आप नहीं कर सकते विदाउट कैलकुलेटर, तो वो कोई पूछता भी नहीं है। समझ में आ गई बात? तो चलिए नया पॉइंट, हमने पीएच स्केल देख लिया, पीएच स्केल से रिलेटेड हमने बोल दिया, हमारा काम पीएच स्केल बस यही मान के चलना है 0 से 14 है बाय डिफॉल्ट, और इसके बाद वो 12 वगैरह देता भी नहीं है, छोड़ो। तो जिस रास्ते देता ही नहीं है उस रास्ते जाना भी नहीं है। तो यहां हमारे पास आ रहा है कि एक हमने रूम टेम्परेचर पर करा, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर हम कर भी नहीं सकते, हाई टेम्परेचर पर पानी बहुत जल्दी से वॉलेटाइल होता है, तो कोई चीज कॉन्स्टेंट बनती नहीं, जब सॉल्वेंट ही नहीं रहेगा कंटेनर में तो कोई भी आयन की कंसंट्रेशन फिक्स रहेगी क्या? नहीं ना। हम क्या चाहते हैं कि हमारा पानी बहुत जल्दी वॉलेटाइल नहीं हो, तो हम क्या रखेंगे? टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से भी 19-20 कम ही रखने की कोशिश करेंगे कि वेपराइजेशन कम हो, हमारा काम चल रहा है। चलो ठीक है, अब हम बात करें पीएच, अलग अलग
जगह क्या होगी? न्यूट्रल की तो हमारे को मालूम हो गया, फिक्स है 7। थ्रू आउट टेम्परेचर मेरा बोलने की जरूरत ही नहीं है, रूम टेम्परेचर चलेगा पूरे चैप्टर में, ठीक है। तो पीएच मेरी 7 फिक्स है, कब तक? जब तक बिस्लरी का पानी है। क्या फर्क पड़ेगा अगर उसमें मैंने कुछ चीज मिला दी, ठीक है? या तो तीन बातें हो सकती है, या तो पीएच कम होगी, या पीएच बढ़ेगी, या पीएच वही रहेगी। चलो वही रह गई तो क्या कारण रहेगा? वही रहेगी। बढ़ गई तो क्या कारण रहेगा? बढ़ गई। बढ़ गई तो कितनी बढ़ेगी? कम हो गई तो कितनी कम हो गई? ये चैप्टर पूरा यही है और कुछ भी नहीं है, समझ में आ रहा है? तो हम इन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं। तो कुछ मोटा मोटा तो मैं बोल देता हूं, जब भी मैं एसिड मिलाऊंगा पीएच कम होगी, जब भी मैं बेस मिलाऊंगा पीएच बढ़ेगी, जब भी मैं वीक एसिड बढ़ाऊंगा मिलाऊंगा तो कम होगी, लेकिन उतनी ज्यादा कम नहीं होगी। वीक बेस मिलाऊंगा बढ़ेगी, उतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी। बस ये चीज हमारे पास होती है। तो थोड़ा सा आइडिया लगा लिया कि आप बेस मिला रहे हो, स्ट्रॉन्ग मिला रहे हो तो 14 के पास पहुंच जाएगी सीधी, वीक बेस मिला रहे हो 10 के आसपास रह जाएगी, 9-10। स्ट्रॉन्ग एसिड मिला रहे हो सीधा 1-2, 0-1 के बीच में पहुंच जाएगी, ठीक है। वीक एसिड मिला रहे हो 2-3-4 कुछ भी आ सकती है, 5 भी आ सकती है, 6 भी आ सकती है, डिपेंड करता है वीक एसिड कितना मिला रहे हो और कितना वीक है वो। तो ये सब छोटे पॉइंट्स हमारे को पढ़ने हैं। हमारा मेन टारगेट पता है यहां पर भी क्या होता है? हमारा मेन टारगेट होता है कि वीक एसिड को हम कैसे समझे। तो चलिए पीएच हम पढ़ते हैं। हेडिंग क्या डालेगा? कैलकुलेशंस ऑफ पीएच इन सॉल्यूशंस, यानी प्योर वाटर तो हम जानते हैं, वो तो फिक्स हो गया, तो पीएच ऑफ सॉल्यूशंस हेडिंग, पीएच या कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूट है तभी तो सॉल्यूशन बोल रहा हूं, अगर सॉल्वेंट होता तो मैं सॉल्यूशन थोड़ी ना बोलता, केवल सॉल्वेंट होता तो नहीं बोल सकता था। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशंस। अब ये सॉल्यूट कौन सा है? एसिड है, बेस है, कुछ भी हो सकता है। तो मान लीजिए वो सॉल्यूट आपके पास जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, फर्स्ट स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो एच प्लस कंसंट्रेशन क्या होगी? हमें एच प्लस ही निकालना है। क्या होगी एच प्लस? एच प्लस वॉटर से और एच प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड से, दोनों ऐड कर दो, वॉटर से मिलने वाली। सो इजी यार, कुछ ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, एक सेकंड का क्वेश्चन होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास, एग्जाम्पल की प्रैक्टिस जरूर अच्छी कर लीजिएगा। मान लीजिए आपके पास एस सी एल मिलाया आपने, 10^-3 मिलाया, और आपसे पीएच पूछा जा रहा है। आप भी इंटेलिजेंट, आपने कह दिया एच प्लस कितना होगा, 10^-, एस सी एल से कितनी मिलेगी? -3, 100% आयनाइज होगा यार, कोई दिक्कत? प्लस वाटर से कितनी मिल रही है आपको? क्या इसको इसमें ऐड कर रहे हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो? ऐड कर रहे हो, ऐड करते वक्त नेग्लिजिबल कर सकते हो, हाँ करना ही पड़ेगा यार, कैलकुलेशन ही इजी करनी है, क्योंकि हमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं है जो एग्जैक्ट पॉइंट के 10 पॉइंट तक बोलना आंसर पड़े। कितना है? 10^-3। अब बताइए इस जगह क्या हो जाएगा पीएच? 3। सो इजी। अगर दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, हमें एचसीएल दिया गया है और कितना दिया है? 3 × 10^-3। बताओ एच प्लस कंसंट्रेशन क्या होगी? अब तो मेरे को समझ में आ गया कि इतनी कम है, मैं एच टू की लिखूंगा ही नहीं, लिख के काटना ही तो है, इससे अच्छा लिखो ही मत। कितनी हो जाएगी? 3 × 10^-3 रहेगी, और पीएच कितना आ जाएगा? 3 − log 2, तो 2.7। इतनी जल्दी कैलकुलेशन कर रहे हो आप, इसका मतलब अच्छे से समझ में आ गया, बोलो क्लियर है? लेकिन मैं थोड़ा सा परेशान करना चाहता हूं तुम्हें, और किसी को नहीं आंसर देना। मैंने H2SO4 ले लिया, इस बार H2SO4 ले लिया, और मैंने ले लिया यहां पर 3 × 10^-3। तो तुम मुझे बताओ क्या यहां पर वाटर की ऐड करनी जरूरी है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये अपने आप में बहुत ज्यादा है वाटर से मिलने वाला। तो पहले तो ये बताओ H+ की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी फिर? बिल्कुल सही, 6 × 10^-3, क्योंकि ये H2SO4 की, और H2SO4 दो H+ देने में कैपेबल है, तो डबल होगी, बिल्कुल सही है। कितना आ जाएगा? 6 × 10^-3। बोलो आ गया समझ में? तो अब आप मेरे को बताओ जल्दी से पीएच क्या हो जाएगी, तुम बताओ। 3 − log 6, 3 log 6 की वैल्यू कितनी है? 3 की कितनी होती है? 4.77, और 2 की कितनी होती है? 0.3।
तो दोनों को ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा, 0.7781, तो ये हो जाएगा 9122 जो भी आ रहा है, ठीक है। तो कैलकुलेशन में फास्ट करूं, एक और एग्जांपल तुम्हारे लिए, जिसकी तरफ उंगली वही करेगा बताएगा और कोई नहीं बोलेगा। एग्जांपल मैंने ले लिया HCl 10^-7 m, क्या यहां वाटर की ऐड करनी जरूरी है? हाँ बिल्कुल जरूरी, क्योंकि नेग्लिजिबल नहीं हो पाएगा। पहले क्यों हो रहा था, 10^-3 के रेस्पेक्ट में हो रहा था, अब 7 है कैसे करोगे? तो कितना हो जाएगा H प्लस की कंसंट्रेशन, 10^-7 और वाटर भी दे रहा है, दो दे रहे हैं तो दोनों को ऐड कर दो, 2 × 10^-7। अब बताओ पीएच क्या हो जाएगी, 7 − log 2, 7 − सही है, करो इसको। तो चलिए अगला पॉइंट होता है हमारे पास पीएच ऑफ, नहीं हमने पहले ही लिख लिया सब कुछ, सॉल्यूट अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड की जगह स्ट्रॉन्ग बेस हो गया तो पीएच कैसे निकालेंगे, और स्ट्रॉन्ग बेस भी मैं कौन सा ले रहा हूं एग्जांपल के साथ, एनएओएच, एनएओएच ले लिया 10^-3। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, जब भी बेसिक मीडियम हो आप पहले पीएच निकालेंगे और फिर 14 में से माइनस करेंगे, तो इस जगह OH पहले निकलेगा और OH हो जाएगा 10^-3 + 10^-7, पानी से जो मिल रहा है वो जीरो है, तो आपके पास OH इतना हुआ, POH आपके पास 3 आएगा, PH आपके पास 11 आएगा, गलती मत करना गलती से भी। अगर आपके पास एग्जांपल कुछ इस तरह का है, आपको दे रखा है CaOH2 और 10, ये दे रखा है 2 × 10^-7, लो अब क्या करेंगे, M दे रखा है, M का मतलब मोलरिटी, तो OH की कंसंट्रेशन अब आप नेग्लिजिबल नहीं करेंगे, मत करो, तो कितना हो जाएगा 2 × 10^-7 और पानी से भी मिल रहा है 10^-7, तो नेट कितना हुआ 3 × 10^-7, तो POH कितना हो जाएगा आपके पास 7 − 3, OH हमारे पास यहाँ पर 2 है, तो यहाँ हमारे पास 4 टाइम्स हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 5 × 7 − log 5 कितना हो जाएगा 0.769, यानी 7 ही हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 6.3 राउंड फिगर में, बोलो यस और नो, ऐसे हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमारे साथ दिक्कत ये कि हम कम नेग्लिजिबल माने या कम ना माने, तो आप तो नेग्लिजिबल मानोगे तो ऑप्शन को देख लेना कितने पास पास दिए हुए हैं, बस सिंपल सा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑप्शंस पे नजर जाती है, मेरे को मालूम है इसमें फर्क पड़ेगा, यहां तो नेग्लिजिबल मान भी नहीं सकते थे, वैसे भी नहीं मान सकते थे, लेकिन अगर आपको कोई KOH दे दिया और 10^-6 दे दिया M, तो बताइए OH की कंसंट्रेशन क्या होगी, 10^-6 + 10^-7, तो कितना हो जाएगा, ये ऐड करते 1.1 × 10^-6, क्या यहां नेग्लिजिबल मानते कोई फर्क पड़ता, थोड़ा सा पड़ता, जो आज 1.1 आ रहा है वो कितना रह जाता, 1 आ जाता नेग्लिजिबल मानते, तो आंसर पे कितना सा फर्क पड़ेगा, बहुत कम, माइनर सा। आप आज के पास आपके पास पीओएच क्या आएगी इस जगह, जल्दी से बोलो, 6 − this यानी 6 − 0.1 5.9 आ जाएगी, और अगर नेग्लिजिबल नहीं मानते तो कितना आ जाता, 6 आ जाती, देख लेना ऑप्शन में कितना पास पास है, मोर करेक्ट 5.9 95, बल्कि और ज्यादा जाती है, और अप्रोक्सीमेट में 6 चलता है, लॉग 1 तो 0 होता है, लेकिन लॉग 1.1 तो 0 नहीं होता, तो वो कितना होता है, थोड़ा सा बढ़ेगा, ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा फर्क, तो कोई खास नहीं है, ऑप्शन बहुत पास 5.95 देगा या 96 देगा, हमें कैलकुलेट नहीं करना, हमें वही टिक करना है सीधा, और ये तो पीओएच हुई, पीएच क्या हो जाएगी, 6 − 14 में से 8.1 खत्म, ऐसे होता है, आ रही है बात समझ में? देखिए अगर वीक एसिड हो जाता तो क्या होता, नेक्स्ट, इफ वीक एसिड इज प्रेजेंट, या आप ये बोल सकते हो सॉल्यूट जो आप ले रहे हो वो वीक एसिड है, वीक एसिड कौन होते हैं, सारे ऑर्गेनिक एसिड वीक होते हैं, अगर आपको मालूम नहीं है
सारे ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड हैं, इसके अलावा सी एस सी डबल इस तो ऑर्गेनिक हो गया, इसके अलावा एच ऑर्गेनिक एसिड और कौन होगा, एच सी एन, ये इसमें भी खैर कार्बन आ रहा है, तीसरा एच एफ, बस बाकी सब आपके लिए स्ट्रॉन्ग का काम कर लेंगे, और एच सी ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड सारे ऑर्गेनिक हो गए, जिसमें भी सी डबल एच ग्रुप दिख रहा है, बेंजोइक एसिड सैलिसिलिक एसिड बहुत सारे हैं, और इसके अलावा एच सी पी ओ थ्री एच सी पी ओ फोर ये सब भी वीक है, फॉस्फोरस एसिड सब वीक है, एक और आप ले सकते हो एच ओ एफ ये भी वीक है, बाकी जो भी दिखे वो स्ट्रांग है, मैं यूज ही नहीं करता, मैं तो सिर्फ स्ट्रॉन्ग के नाम पे H2SO4 या HCl और वीक के नाम पे CH3COOH, खत्म पूरा चैप्टर, ये तीन एसिड के अलावा चौथा एसिड देखने को ही नहीं मिलता, समझ में आ गया, तो ये मेरा आ रहा है, कभी कभी रेयर केस में HCN या HF यूज कर लेता हूँ, रेयर केस में जब मेरे को परेशान करना होता है किसी को, बाकी तो मैं CH3COOH ही लूंगा क्योंकि एनसीईआरटी भी CH3COOH को ही लेती है, तो वीक एसिड की क्या खास बात होती है जो स्ट्रॉन्ग की नहीं होती, वीक एसिड भी पार्शियली डिकम्पोज होते हैं और वाटर भी पार्शियली डिकम्पोज होता है, दोनों नालायक हो गए, पहले एक लायक था, तो यहां से हमारे पास अंतर आ रहा है, और इस जगह जब वीक एसिड आ रहा होता है तो मैं आपको फिर बता देता हूं, जैसे हमारे पास CH3COOH है और इसकी कंसंट्रेशन सी है और वाटर भी है H2O, इसकी कंसंट्रेशन तो आप जानते ही हो कितनी है, इसकी मान लीजिए C1, इसकी मान लीजिए C2, इसकी कितनी है 55.4, राउंड फिगर में चलने दो, तो क्या ये H प्लस देगा, हाँ, क्या ये H प्लस देगा, हाँ, दोनों H प्लस देंगे, लेकिन यहां दो केस हो सकते हैं, केस फर्स्ट जो इससे मिलने वाला है क्योंकि ये तो वीक एसिड है, उससे तो ज्यादा ही देगा भले, क्योंकि एसिड लगा हुआ है ना नाम के आगे, बहुत ज्यादा है, H2O से मिलने वाला है H प्लस से, मेनली तो यही होता है, 99.99999% यही क्वेश्चन आते हैं, 0.00001% क्योंकि आज तक अभी आया नहीं कि दोनों को देख लिया जाए एक साथ, आज तक तो आया नहीं, लेकिन फिर भी मैं पढ़ाऊ दूंगा तुम्हारे को, ये वीक एसिड ये ठीक है, चलो क्या करना चाह रहा हूं मैं आपको यहां पर, तो अब आपके पास H प्लस क्या हो जाएगा, इस जगह H प्लस निकालने के लिए आपको थोड़ा सा डेरिवेशन करना पड़ेगा, जैसे CH3COOH डिकम्पोज हो रहा है, CH3COO- और H प्लस, मान लीजिए इसकी C0 0, C1 alpha, क्योंकि C-C alpha, इसका C alpha डिकम्पोज होगा तो इसका कितना बनेगा, जल्दी बोलो, C alpha, और इसका भी कितना बनेगा C alpha, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या नाम दिया जाए, पहले तो ये देखो Ka बोल दो, के डिसोसिएशन बोल दो, के डिसोसिएशन की जगह A भी बोल सकते हो, A का मतलब एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, डीए बोल दो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, लेकिन एनसीईआरटी इसको DKA बोलती है, A फॉर डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, तो मैं भी KA यूज करूंगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट कौन है, रिएक्टेंट कौन है, बस इसको पकड़ के चलो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट जब आप ये कर रहे हो, आपका आधा काम तो हो ही गया, क्या लिखोगे यहां पर, इन दोनों की कंसंट्रेशन तो बराबर है, ठीक है, वाटर की कितनी है दिस, तो ये आपके पास आ जाएगा के ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी अल्फा, और ये कितना हो जाएगा C1 alpha, पक्का, अब यहां दो बातें होंगी कि अल्फा को नेग्लिजिबल माने या ना माने, तो अगर अल्फा नेग्लिजिबल मान लिया, मान लो, तो उस कंडीशन में तो आपके पास क्या हो जाएगा, के की वैल्यू क्या हो जाएगी, C alpha square, बस ऐसा कब मानना चाहिए, मेरे हिसाब से अगर के की वैल्यू बहुत कम दे रखी है, 10^-4 या उससे भी कम दे रखी है, इतनी भी दे रखी है, तो मानने पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, और 10^-3 दे रखी है तो भी मान लो, लेकिन आंसर के लिए तैयार करो कि जो आपका एग्जैक्ट आंसर आ रहा है उसके थोड़ा सा आसपास वाला आंसर लगाना है आपको, अब कम वाला लगाना है या ज्यादा वाला लगाना है वो आपकी मैथ्स बता देगी आपको, लेकिन वो मत लगाना जो फिर आंसर इससे आए नेग्लिजिबल करने से, समझ में आ रहा है, कब,
जब के की वैल्यू 10^-3 है। लेकिन फिर कैलकुलेशन इतनी टफ हो जाती है कि वैसे क्वेश्चन देते नहीं है एग्जामिनर, क्योंकि वो भी जानते हैं कि कैलकुलेटर नहीं है बच्चों के पास पक्का। तो जनरली यही केस देंगे जब 10^-4 से कम हो, और 10^-3 हो तो भी मैं यही कर लेता हूँ और दिमाग में बिठा के चलता हूँ आसपास वाला आंसर लगाना है मेरे को, एग्जैक्ट वो नहीं लगाना। आसपास का मतलब बहुत दूर का नहीं, टेंस टू जीरो की एरर के साथ, ठीक है। तो यहां हमारे पास हो गया के ए सी अल्फा स्क्वायर। तो बताओ इससे मेरे को क्या चाहिए, मुझे तो रिलेशन मिल गया, तीन चीजें हैं, दो दे दी जाए मैं तीसरी बता दूंगा पक्का, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आई। तो अगर किसी ने कहा अल्फा बताओ, मैंने कहा ये लो के ए बाई सी रूट में, सही है। और सी को हम आप जनरली नहीं जानते, सी को अपन वी भी बोलते हैं, 1/c को, लेकिन सी कंसंट्रेशन होता है और वी डाइल्यूशन होता है। ये बात मुझे ओसवाल ने बताई तो उसने कह दिया ओसवाल डाइल्यूशन लो, इस अकॉर्डिंग क्या है अल्फा प्रोपोर्शनल रूट वी। जैसे जैसे एसिड को डाइल्यूशन करोगे अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी, और अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी तो बताइए एच प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी या कम होगी, कम होगी। क्यों? क्योंकि एच प्लस की कंसंट्रेशन क्या होती है सी अल्फा, सी की जगह यहां पर क्या लिखोगे 1/v, और अल्फा की वैल्यू क्या लिखोगे अंडर रूट वी। तो ओवरऑल क्या हो गया, जैसे जैसे डाइल्यूशंस करोगे कम होगी, तो अल्फा डिसोसिएशन तो बढ़ेगा लेकिन एच प्लस कम होगा, एच प्लस की कंसंट्रेशन कम होगी, क्योंकि वो अगर सिर्फ अल्फा होता तो बात अलग है, वो सी अल्फा है, सी में भी एच है, वो क्या वी है। तो मैं आपको फिर बोल रहा हूं की पॉइंट क्या बनेगा, डाइल्यूशंस करने पर यानी पानी मिलाने पर अल्फा बढ़ेगा और एच प्लस की कंसंट्रेशंस कम होगी, कंसंट्रेशन बढ़ाने पर अल्फा कम होगा और एच प्लस की कंसंट्रेशंस बढ़ेगी। ये थ्योरी किसके लिए लगेगी, वी क्या स्ट्रॉन्ग, वी के लिए स्ट्रॉन्ग, तो बेचारे पैदाइशी अल्फा 100 लेके चलते हैं, समझ में आ रहा है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट वी के लिए लगेगा। कैलकुलेशन करके एक बार आप हमेशा क्या करोगे एच प्लस निकाल लेना सी अल्फा से, अल्फा मैं दे रहा हूँ सी में दे रहा हूँ, एच प्लस निकल गया, एच प्लस निकल गया तो आपके लिए बच्चों वाला काम है क्या पीएच बताना। तो चलिए दो एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट फाइंड पीएच ऑफ 0.01 एम सी एस सी सी डबल ओ एच एंड जो हमारे पास के है वो वैल्यू दे रखी है 10^-4 पीएच पूछ रहा है। क्या मैं यहां पर नेग्लिजिबल मान लू, हाँ क्योंकि बहुत ज्यादा छोटा है। तो बताइए सॉल्यूशन करते वक्त आप क्या दिमाग में रखेंगे, एच प्लस इक्वल टू, दिमाग तेजी से लगना है के ए मल्टीप्लाई बाय सी, क्या ये फॉर्मूला रट लिया आपने, हाँ अभी रटा है के ए सी के ए सी के ए सी, यस और नो। आप कहेंगे कहाँ रटा हमने, रटा है आपने क्योंकि आपने एच प्लस कितना लिखा है सी अल्फा, और सी अल्फा की वैल्यू सी अल्फा की वैल्यू क्या है के ए बाय सी, अंडर रूट के ए सी हो गया ना। एक मिनट फिर उतार लेना, पहले समझ लो। तो एच प्लस रट लो आप, तो वीक एसिड के लिए एच प्लस की कंसंट्रेशन अंडर रूट के ए सी, स्ट्रॉन्ग के लिए डायरेक्ट सी होता है अंडर रूट के ए सी, डेराइव तो कर ही लिया लेकिन वहां डेराइव करने थोड़ी ना बैठोगे, अंडर रूट के ए सी अंडर रूट के ए सी रट लिया आपने। अब बताओ के ए की वैल्यू क्या दे रखी है 4 × 10^-4 और सी की वैल्यू कितनी है 10^-2, रूट करा कितना आया 2 × 10^-3, पीएच कितना आ जाएगा जल्दी से बोलो 3 − log 2 2.7 आंसर, सो इजी, कोई दिक्कत आपको। देखो एक और क्वेश्चन मैंने लिखा है, ध्यान से देखना, फाइंड द रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एच ए एंड एच बी एसिड, दोनों में कंसंट्रेशन दे दिया है मैंने और के ए में भी रिलेशन दे दिया। स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, अगर दो एसिड की स्ट्रेंथ की बात करें तो दोनों की एच प्लस का रेशियो हो जाएगा, और दोनों बेस की स्ट्रेंथ में कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों की ओ एच का रेशियो आएगा। लेकिन एक एसिड है और एक बेस है तो स्ट्रेंथ पूछी ही नहीं जाएगी, दोनों अलग है,
ठीक है ना, अलग क्लास है तो उनमें कभी भी कंपेयर नहीं होगा। तो अब आपके पास यहां जो आ रहा है, क्या पूछा जा रहा है आपसे, स्ट्रेंथ। तो ये बहुत आसान है, ये आसान है। कैसे करोगे आप, दो एसिड के लिए स्ट्रेंथ का रेशियो H प्लस, ये क्या हो जाएगा एच ए एसिड और ये क्या हो जाएगा एच बी एसिड। तो मेरे पास तो फॉर्मूला तैयार है, के वन सी वन के टू सी टू, यानी उनकी एसिड एच प्लस की कंसंट्रेशन का रेशियो है। और के वन के टू कैसे लिखूंगा मैं, सी टू बाय सी वन, क्योंकि एच बी, हाँ एच ए की वैल्यू एक तरह से क्या हो जाएगी, और दोनों दिया हुआ है तो ये हो जाएगी 100 रूट में ही और मल्टीप्लाई बाय 10/1, कुछ इस तरह का रेशियो आ रहा है। ये आंसर आ गया, खत्म। तो हमारे को यहां पर कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हमें वीक एसिड में आ गया। हाँ एक चीज आ सकती है कि क्या हो जब एसिड से मिलने वाला एच प्लस भी बहुत कम हो, के सेकंड जो मैंने छोड़ दिया था और मैंने कहा था कोई काम नहीं आएगा, लेकिन फिर भी कर लो। अगर एच प्लस एसिड से मिलने वाला है वीक एसिड और वाटर से मिलने वाला, दोनों अप्रोक्सीमेट बराबर आ गए, हम किसी को नेग्लिजिबल नहीं कर पा रहे, तो क्या करेंगे, तो फिर हमारे को एक फॉर्मूला ध्यान रखना है। इस जगह एच प्लस की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट के वन सी वन प्लस के टू सी टू, ये फॉर्मूला आप लगा के चलेंगे, के वन सी वन के टू सी टू। तो के वन की वैल्यू एसिड के लिए आपको मालूम है, वाटर के लिए आपको मालूम है, के टू की वैल्यू क्या है, ये तो दूंगा मैं, के वन भी दूंगा और सी वन भी दूंगा। वाटर के लिए के टू की वैल्यू मालूम है कितनी है, के डब्ल्यू अपॉन 55.4, और सी टू की वैल्यू जानते हो आप कितनी है, वाटर के लिए कंसंट्रेशन 55.4, वाटर की कंसंट्रेशन तो यही होगी, तो एक तरह से ये दोनों कट गया, बस खत्म। तो ये चीज रह गया, कुल मिला के वन सी वन प्लस के डब्ल्यू हो जाएगा। अगर तीन एसिड हो रहे हैं, चार एसिड हो रहे हैं, वीक एसिड आ गए, तो आप क्या करोगे, के वन सी वन के टू करते चले जाना, कोई ज्यादा दिमाग मत लगाना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, आ गई बात समझ में। लेकिन आप मान के चलो आपको इतना हाई लेवल पे कोई नहीं पूछ रहा, ये तो मैंने करा दिया, आपको तो सिर्फ वीक एसिड पूछेगा। अभी क्या हो रहा था कि ये वैल्यू इस वैल्यू से, ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से बहुत ज्यादा होती है, 100 गुना भी ज्यादा हुई तो ये वैल्यू क्या हो जाती थी, नेग्लिजिबल, खत्म, फॉर्मूला आ गया हमारा, 100 टाइम्स भी ज्यादा होती है। हाँ अगर ये 10 टाइम्स ज्यादा हो तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, कोई ज्यादा खास नहीं पड़ रहा, लेकिन हाँ फिर भी पड़ेगा तो सही, तो आप समझ लें अगर दोनों ऑप्शन बहुत दिए गए तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये आपने एसिड के लिए पढ़ लिया, वीक एसिड के लिए क्या पढ़ा आपने, आपने वीक एसिड के लिए एच प्लस निकाल लिया, सीख लिया मेरे से। वीक एसिड के लिए आपने पीओएच एच दोनों निकालना सीख लिया, अगर आपको पीएच मालूम है तो पीओएच भी मालूम है। तो क्या हम इसको वीक बेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं सेम कॉन्सेप्ट को, हाँ लगाओ कोई मना नहीं है, जहां जहां एच प्लस है वहां ओएच लिख देना, जहां जहां पीएच है वहां पर पीओएच लिख देना, आपका काम सब 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 अच्छा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास फोर्थ नंबर का केस ले रहा हूं, अगर आपके पास सॉल्यूट उस जगह सॉल्यूशन में वीक बेस है, क्या है वीक बेस, तो आप कैसे सोचेंगे, वीक बेस है तो आप कैसे सोचेंगे, सोचिए आप कैसे सोचेंगे। अगर आपके पास सॉल्यूट वीक बेस है तो आप बस ऐसे ही सोच लो कि जैसे एग्जांपल NH4OH, ये डिकम्पोज हो रहा है, NH4 प्लस प्लस OH माइनस, बोलो क्लियर है, बस ऐसे ही सोचना है और कुछ भी नहीं है। C0 0 C1 माइनस अल्फा C अल्फा C अल्फा, ये लिखना मेरा सिर्फ कंसेप्ट है। इस जगह डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट को क्या बोलेंगे, KB, और C अल्फा C अल्फा C1 माइनस अल्फा, ये सी से ये सी कट गया, ये अल्फा बहुत कम है, तो आपके लिए KB की वैल्यू क्या हो जाएगी, C अल्फा स्क्वायर, सेम वही है। और अब आपके पास कुछ पॉइंट आ गए, अल्फा की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट KB बाय सी, OH की कंसंट्रेशन क्या होगी, C अल्फा की वैल्यू अंडर रूट KB बाय सी, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट KB सी, OH की कंसंट्रेशन आपके पास आ गई। तो कुछ एग्जांपल है जो आपको मुझसे पहले करके दिखाने हैं जल्दी से। फर्स्ट फाइंड pH ऑफ फॉलोइंग, यहां ध्यान रखना क्या मिलेगा, OH है तो क्या मिलेगा, pOH, 14 में से माइनस करना है, फाइंड pOH, सॉरी pH ऑफ फॉलोइंग,
फॉलोइंग एक्वा सॉल्यूशंस, एक्वा सॉल्यूशंस फर्स्ट 2 × 10⁻⁴ एम एस सी एल, सेकेंड 3 × 10⁻³ एम एन ओ एच, एम यहां पर यूनिट है, फोर थर्ड 4 × 10⁻², एम सी एस सी सी डबल ओ एच, फोर 4 × 10⁻⁴ टू एन ओ एच, एम एन ओ एच। इसके लिए के दिया जाना चाहिए और वो मैंने दे दिया 10⁻⁴, और इसके लिए के भी दिया जाना चाहिए वो भी मैंने दे दिया 10⁻⁴, 4 × और डाल देता हूँ, करिए इनको दोस्तों। ये चार क्वेश्चन है, फटाफट करो। फाइंड पीएच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस, फर्स्ट सॉल्यूशंस क्या है, पहले देखो स्ट्रॉन्ग एसिड है, एच प्लस कंसंट्रेशन 2 × 10⁻⁴ पीएच 4 − log 2, बाकी कैलकुलेशन आपकी। एच प्लस नहीं ओएच आएगा पहले, ओएच कंसंट्रेशन 3 × 10⁻³ पीओएच 3 − log 3 पीएच आप निकाल लेना। थर्ड सी एच सी सी डबल ओ एच, वीक एसिड है, एच प्लस कंसंट्रेशन अंडर रूट के ए मल्टीप्लाई बाय सी 4 × 10⁻³ 4 × 10⁻⁴ पीएच जो आ जाएगी, पहले तो एच प्लस एक बार और निकाल लो, 4 बाहर आ जाएगा 4 × 10⁻⁷ 3.5 हो गया, तो पीएच कितनी हो जाएगी 3.5 − log 4.6, तो 2.9 के आसपास आ जाएगा। ये आप खुद कर लीजिएगा, बाकी ये भी, ये वीक, ये तो स्ट्रांग है, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ अगर NH, गलती हो गया मैंने, यहाँ NH4 लिखना चाहिए था, क्योंकि के भी डिफाइन ही नहीं होता NA के लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए नहीं होता, तो ये क्वेश्चन ही गलत था, तो मैं बोलना चाहिए था सर NH4OH लिखना, NaOH के लिए तो के भी की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट 100% आयनाइज्ड है, तो गलती से आ गया, ठीक है, तो कर सकते थे आप। तो आपने चारों केस बहुत अच्छे से कर लिए, फिर भी चौथा वाला मैं कर देता हूँ। OH कंसंट्रेशन क्या होगी 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻², तो OH कंसंट्रेशन आएगी आपके पास 4 × 10⁻³, और POH आपके पास आ जाएगा 3 − log 4, यानी कि 2.6 नहीं 2.4, ये आपके पास आ गया, log 4 की वैल्यू आपने रख दी, और PH की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 11.6। ऐसे आपको करना है, तो आपके पास बहुत सारी चीजें आ गई है। देखिए हमने अभी तक क्या पढ़ा, वीक एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, लेकिन मैंने बड़ी चालाकी से एक चीज रखी है, अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, ध्यान से सुनना, और उसमें दो प्रोटॉन देने की टेंडेंसी है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देता था, दो OH यानी 2OH देने की टेंडेंसी 2 से मल्टीप्लाई कर देता, 3 है 3 कर देता था, लेकिन वीक एसिड है तो मैं क्या करूं, तो हेडिंग डलेगा एक और, सॉल्यूट आपके पास वीक है, सॉल्यूट वीक एसिड है लेकिन प्लस उसके पास मोर देन वन प्रोटॉन है, मोर देन वन प्रोटॉन, तो आप पीएच कैसे निकालोगे। फॉर एग्जांपल आपके पास है HCPO3 या HCPO4, ये H प्लस देगा और क्या बनाएगा H2PO4 माइनस, यही बनाएगा, बोलो बनाएगा या नहीं बनाएगा, तो इस कंडीशन में आपको कैसे सोचना है। मान लीजिए इसकी कंसंट्रेशन C है 0 0, सही है, तो क्या लिखोगे C1 − α C α C α, सही है, के इक्विलिब्रियम इसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट 1 हो जाएगा, 1 लिख दो, तो ये कितना हो जाएगा C α² बस यही बचेगा, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी इस जगह अंडर रूट K1 / C, और बताओ H प्लस कंसंट्रेशन क्या होगी, आप बता सकते हो अंडर रूट KA1 मल्टीप्लाई बाय C, चमक गया आंसर।
तो ये आपके पास एच प्लस कंसंट्रेशन होगी, लेकिन आपके दिमाग में आएगा सर ऐसा नहीं है, ये तो गलत है, आप गलत बता रहे हो, क्यों? क्योंकि अभी तो ये भी देगा एच प्लस, तो एच टू पीओ फोर माइनस भी देगा, और क्या देगा? एच प्लस और एच पीओ फोर माइनस टू, फिर ये भी देगा और एच पीओ फोर माइनस टू भी देगा, एच प्लस प्लस पीओ फोर माइनस थ्री देगा। समझ में आ रही है बात? तो मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, काम चल जाएगा मेरा। मान लीजिए आपके पास 10 पावर 5 मॉलिक्यूल ये हैं, कितने ले लिए? 10 पावर 5, इनमें से 100 ये टूटेंगे, फिर इसके 100 में से एक ये टूटेगा, फिर एक में से 0.001 ये टूटेगा, यानी एक बार टूटने के बाद 1000 का सीधा डिक्रीमेंट होता है सीधा। तो बताइए कि क्या इसके बाद जो मिलेगा वो इसे 1000 गुना कम होगा? उसको ऐड करना चाहिए? मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए, नेग्लिजिबल मान देना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे आंसर पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब कोई भी एसिड हो, कोई भी वीक एसिड हो, उसकी प्रोटॉन सिटी एक हो, दो हो, तीन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसको ट्रीट वैसे ही करेंगे जैसे वन को कर रहे थे, जैसे CH3COOH को कर रहे थे, और वही आंसर लगा लेंगे हम, हमारे आंसर में कोई गलती नहीं है, सिर्फ डराने के लिए। हो सकता है वो K1 K2 K3 दे दे, ठीक है दे दो, हमारे क्या जा रहा है? कुछ नहीं जा रहा क्या बेटा? मैं आपको बता रहा हूं, बस पहले वाले से जो मिल रहा है वो मिल रहा है रियल में, दूसरे वाले से बहुत कम, और तीसरे वाले से तो इतना कम कि सोच भी नहीं सकते आप। कैसे नहीं पता चलेगा? जो सबसे ज्यादा है तीनों में वो K1 है, इसमें क्या पता चल रहा है? बहुत आसान है। तो हमेशा इस जगह आप क्या बोल पा रहे हो, इस जगह की पॉइंट आपके पास क्या हो रहा है, इस जगह K1 K2 K3, ये रेशो है पक्का, K1 दिया हुआ है, K2 दिया हुआ है, K3 दिया हुआ है, सो इजी, दिमाग ही नहीं लगाना है ज्यादा। तो अब आपके पास अगर दिया भी होगा तो जनरली मैं आपको बता दूं, ये 10^-4 का होगा, 10^-7 का होगा, 10^-9 या 10 का होगा, क्या फर्क होता है? बहुत कम है। तो आप जो इस सीधा सीधा इसमें सेकंड पॉइंट यही लिखेंगे, एच प्लस की कंसंट्रेशन अंडर रूट K1C1। और अगर आपको एग्जैक्ट आंसर निकालना है, आपके पास कैलकुलेटर है, सुपर कंप्यूटर है, तो आप क्या करो, K1C1 प्लस K2C2 प्लस K3C3 कंसंट्रेशन कर लेना, खत्म। लेकिन इतनी करने की जरूरत नहीं है, आपसे नहीं पूछा जा रहा, बस आगे आपका आंसर, आपका मतलब अपना काम बनता, ठीक है चलो। तो ये कंसेप्चुअली है। अब आता ये बात कि क्या हो अगर आपके पास सॉल्यूट एक सॉल्ट हो, तो यहां आपको दिमाग में लगाना है, सॉल्यूट एक सॉल्ट हो तो क्या होगा, सॉल्यूट एक सॉल्ट है तो क्या होगा? बहुत इजी है, सॉल्यूट एक सॉल्ट होगा तो आपका काम बहुत आसान है, सॉल्यूट सॉल्ट है, यहां तक कंफर्म आपको समझ में आ रहा है। तो सॉल्ट क्या होता है, पहले तो उसकी डेफिनेशन समझो, सॉल्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। अब अगर यहां एसिड है और बेस है, तो हमारे पास चार तरह के सॉल्ट बनते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, बेस भी स्ट्रॉन्ग है, NaOH HCl, तो इसका एग्जांपल क्या बन जाएगा, NaCl। और क्या ले सकते हो, Na2SO4, Na2NaNO3। आपको मालूम है एसिड कौन कौन से स्ट्रॉन्ग है, जो मैंने बताए थे वीक उसको छोड़ के बाकी सब स्ट्रॉन्ग है, वीक एसिड, वीक बेस सॉल्ट, बहुत अच्छे से लिख सकते हो, इसका एग्जांपल CaCCOONH4, NH4OH या NH4CN, जनरली मैं यही यूज करूंगा CaCCOONA,
NH4 पक्का। अब आ रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट, कौन एग्जांपल आएगा इसका? स्ट्रॉन्ग एसिड HCl ले लो और NH4, तो NH4Cl हो गया। स्ट्रॉन्ग एसिड की जगह स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग बेस कौन है? NaOH, और वीक एसिड CH, तो CH3COONa। बहुत आसानी से बना दिया आपने। आपने क्या सोचा इसके लिए स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन सा हो सकता है? HCl बस, और वीक एसिड कौन सा होगा? एग्जाम्पल CH3COOH। समझाने के लिए आपको एक ही एग्जाम्पल बहुत है। तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा हो गया? NaOH, और वीक बेस कौन सा हो जाएगा आपके पास? NH4OH। खत्म बात। अच्छा, जब दोनों शेयर हैं तो एक दूसरे को बिल्कुल हरा देंगे। मेन नेट क्या रहेगा? न्यूट्रल, न्यूट्रल। दोनों वीक है तो भी अप्रोक्सीमेट न्यूट्रल, बस एग्जैक्ट न्यूट्रल नहीं लेकिन अप्रोक्सीमेट न्यूट्रल, क्योंकि दोनों वीक है। तो डिपेंड करता है ना कि कौन ज्यादा वीक है या कौन ज्यादा स्ट्रांग है, वो पता चलेगा नहीं आपको जब तक कि मैं डाटास नहीं दूंगा, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। स्ट्रांग एसिड ज्यादा स्ट्रांग है तो मीडियम क्या होगा? एसिडिक, बेसिक। कितना इजी है, खत्म। तो जब भी मीडियम एसिडिक होगा तो पीएच 7 से कम होगी, बेस होगा पीएच 7 से ज्यादा होगी, न्यूट्रल हो गया दिस। आया या नहीं आया? अब आपको यहां पर थोड़ा सा और करना है जो मैं एक टेबल के साथ आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सीरियल नंबर या प्रॉपर्टीज कौन सी है, स्ट्रॉन्ग एसिड अलग ही लिख लेते हैं, चलो टेबल की जगह केस ले लेते हैं। तो आपको ये तो समझ में आ गया, वो लोग क्लियर है? ठीक। अब एक एक करके सभी केसेस को हम डिस्कस कर रहे हैं। केस फर्स्ट, अगर आपके पास सॉल्यूट, बात तो सॉल्यूट की है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है, तो आपने क्या सीखा इस जगह? मीडियम एसिडिक होगा, खत्म। पीएच 7 से कम होगी, ये तो सीख लिया आपने। आगे क्या सीखना है? 7 से कम होगी लेकिन कितनी होगी वो सीखना है आपको, ठीक है? वो बता देता हूं। पहले तो एग्जांपल लो आप, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस NH4Cl, और इसकी कंसंट्रेशन आपको क्या दी गई है? सी। इसकी कंसंट्रेशन आपको क्या दी गई है? सी, सी दी गई है बस। तो जैसे मेरे पहले वाले फॉर्मूले बने थे वैसे ये बनेगा, बस अंतर क्या होगा? यहां H प्लस कंसंट्रेशन, क्योंकि मीडियम एसिडिक है, ये तो समझ में आ गया। वहां के A था, यहां के H बोल दो आप, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, और C, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना, वही कंसेप्ट से वैसे का वैसे ही है। ये हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट सॉल्ट का होगा, के एच का मतलब वन लगाने की जरूरत ही नहीं है, के एच का मतलब है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ सॉल्ट, सेम वैसे ही कंसेप्ट चल रहा है। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है? रिएक्शन विद वाटर, तो हो यही रहा है कि हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट बोला जाता है KH को यहां पर, क्योंकि यहां पर सॉल्ट को जब पानी में डाला जाता है तो जो वीक पार्ट है वो हाइड्रोलाइज होता है, पानी के साथ रिएक्शन करता है, ये रिएक्शन हो गई और क्या बनाएगा? H प्लस प्लस NH4OH, और इसी को हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये तो हमारे कोई काम का रहा नहीं क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्सेस में, तो वही रिएक्शन बनेगी C00, जो आज शुरू से ही मैं पढ़ा रहा हूं, C-1α C-α C-α, और कुल मिला के वही H प्लस कंसंट्रेशन आपके पास क्या हो जाएगी? अंडर रूट KH मल्टीप्लाई बाय C।
एच यहां पर हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है, समझ में आ गया, ये आपके पास एक पॉइंट हो गया। तो हमेशा हाइड्रोलिसिस किसका होता है, जो वीक पार्ट है, पक्का कोई दिक्कत नहीं है। एच प्लस कंसंट्रेशन आ गई आपके पास, केएच सी, केएच मैं आपको दूंगा, मैं नहीं देता हूं तो आप क्या करोगे, एक और चीज है, केएच नहीं देता हूं तो आपको इस फॉर्मूले से निकालना है के डब्ल्यू अपॉन के ए, यहां पर जो वीक है वो कौन है, बेस। तो बताओ आपको अजीब सा क्या दिख रहा है, मैं बताऊं आपको क्या दिख रहा है, आप कहोगे एच प्लस इक्वल टू अंडर रूट के डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय सी अपॉन के बी, आप कहोगे हम निकाल रहे हैं एच प्लस लेकिन यूज हो रहा है बी, बिल्कुल के बी यूज हो रहा है, के ए होना चाहिए था, आप याद करो जब के ए होता था तो कहां होता था वो, ऊपर, यहां के बी यूज हो रहा है तो वो कहां होगा, नीचे, उल्टा जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो एक तरह से के एच कुछ भी नहीं है, के डब्ल्यू अपॉन के ए या के बी में से एक होगा, जब वीक बेस है तो बी हो जाएगा और एसिड है तो ए आ जाएगा। और एक बात ध्यान रखना, के डब्ल्यू अपॉन के ए के बी कब देखने को मिलेंगे, जब सॉल्ट है, और जब भी आपको के ए देखने को मिलेगा तो मीडियम बेसिक होगा, और के बी देखने को मिलेगा तो मीडियम एसिडिक होगा, समझ में आया। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। तो दोस्तों यहां हमारे पास एक बहुत अच्छी चीज आ रही है, फिर मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूं, क्या पढ़ा हमने, हमने पढ़ा एक सॉल्ट है, हमें नहीं मालूम वो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का है, तो NH4 देखते ही क्या पता चला, ये NH4OH का यानी वीक बेस का है, और HCl देखते ही क्या पता चला, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड देखते ही क्या पता चला, एसिडिक रहेगा फाइनल, और एसिडिक देखते ही क्या मालूम पड़ा, pH 7 से कम होगी, ये सब तो हमें पता चला, लेकिन 7 से कम होगी और कितनी होगी, उसके लिए हमारे पास क्या आ रहा है, H प्लस चाहिए, H प्लस क्या हो जाएगा, KH मल्टीप्लाई बाय C, KH क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि सॉल्ट है ना कि एसिड, और जब भी सॉल्ट होगा तो एसिडिक के लिए उल्टा K भी यूज हो रहा होगा, और जब एसिड बेस होता था तो K एसिड के लिए K, बेस के लिए K भी, और KH की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट KW डिवाइडेड बाय KA, सी तो सी की जगह के गलत लिखा है, क्या आएगा, एसिड है तो के भी आएगा सॉल्ट के केस में, लेकिन नीचे आएगा, दो चीजें याद रखना, सॉल्ट में एसिड के लिए के भी आएगा लेकिन नीचे आएगा, बस हो गया, वैल्यूज में दे दूंगा, के भी मैं दे दू, के डब्ल्यू आपको मालूम है, सी मैं दे दूंगा, निकाल लोगे। तो क्या इस पे एग्जांपल बना सकते हैं, हाँ, फाइंड पीएच ऑफ 0.01 NH4Cl इफ के बी ऑफ NH4 OH is 4 × 10⁻⁴। आप सॉल्यूशन बहुत तेजी से कर सकते हैं, H प्लस क्योंकि मीडियम एसिडिक होगा, ये बात तो आपको NH4Cl देखते ही पता चल गया, करना क्या है आपको, KW अपॉन KB मल्टीप्लाई बाय C, 10⁻⁴, C कितना है आपके पास, 10⁻⁰, और KB कितना है, 4 × 10⁻⁴, तो ये कर दिया 10⁻⁰, बाकी तो कैलकुलेशन आप कर ही लोगे यार, ये 0.0 के डब्ल्यू, सी आपने गलत लिख रखा है, यहां पर 10⁻² है, तो क्या आएगा, आप कर सकते हो, एच प्लस कंसंट्रेशन क्या दिख रहा है आपको, 10⁻⁶ यानी 10⁻⁶ अपॉन 2 आ जाएगा, तो पीएच कितना आ जाएगा, 6 प्लस लॉग 2 यानी 6.3, पीएच 6.3, क्या मैं सही हूं, क्या मैं सही हूं यार, कैलकुलेशन के मामले में गलत होता भी नहीं हूं, ठीक है लिखो, चलिए ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे एसिड के लिए, सॉल्ट्स के लिए, एक और सॉल्ट्स मेरे पास आ रहा है, कौन सॉल्ट ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं अब स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड सॉल्ट, चलिए कोई एग्जाम्पल ले लो, स्ट्रॉन्ग बेस क्या ले लिया, एन ए, और वीक एसिड CaCCOOH, तो आपके पास बनेगा CaCCOONA, इसको देख के आपके दिमाग में क्या आएंगे विचार, पहला विचार ये देखते ही पता चल जाएगा बेसिक मीडियम होगा, दूसरा बेसिक मीडियम होगा पीएच की वैल्यू 7 से ज्यादा होगी, दूसरा वैल्यू हम पहले ओएच कंसंट्रेशन निकालेंगे और वो केएच मल्टीप्लाई बाय सी होगी, तीसरा केएच में इस जगह ओएच निकालो यहां पर के भी यूज होगा, नहीं
के ए यूज होगा यहां पर, और वो भी नीचे, तो 10 के डब्ल्यू अपॉन के ए, यहां के ए यूज होगा क्योंकि ये सॉल्ट वाला केस है, और दिस बस बाकी काम है, बाकी का काम अपने आप डाटास करेंगे। तो इस पे एग्जांपल क्या बनेगा आपके पास, फाइंड पीएच ऑफ, फिर उसके बाद पीएच निकाल लोगे, कैसे निकालोगे, 14 माइनस पीओएच करके। चलिए एग्जांपल करते हैं, फाइंड पीएच ऑफ 0.01 m, 0.01 m ये ले लिया, अजीब सा दिया एसिड, बेंजोइक एसिड का लिया के प्लस के साथ, और के बी की वैल्यू दूं या के ए की वैल्यू दूं इस जगह, के ए सॉल्ट में के ही जरूरत होगी यहां पर, किसके लिए, इसके लिए सी डबल ओ एच, ये दे दिया मैंने 10^-2, इतना भी नहीं 4 दे देता हूं, रैंडमली डाटाज है, डाटाज का कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट्स काम आ देंगे। तो अब आपके पास सॉल्यूशंस, एक लाइन में पहले बताओ ये बेसिक होगा या एसिडिक होगा, बेसिक श्योर, कैसे पता लगाया, के देखते, के किसका भाई है, एनए का, और एनए का भाई बेसिक है, ठीक है, ओएच आ गया माइनस अंडर रूट के एच मल्टीप्लाई बाय सी, अंडर रूट के डब्ल्यू अपॉन के ए मल्टीप्लाई बाय सी, अंडर रूट 10^-14 मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू कितनी है, 10^-2, के की वैल्यू कितनी है, 10^-4, 10^-6, 10^-3, सही लिखा है मैंने, हाँ 10^2 सही है बिल्कुल, -6 आएगा, -6 आएगा, और -6 आने के बाद अब आपके पास क्या आ जाएगा, पी ओ एच कितना आएगा 6, और पी एच कितना आ जाएगा 8, खत्म, आ गई बात समझ में, तो क्या आपको ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट्स। अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है आपके पास, ये देखिए सॉल्ट, अगर आपके पास सॉल्यूट जो है वो सॉल्ट है, सॉल्ट देखते ही आपके दिमाग में क्या आता है, के एच, और वो सॉल्ट है आपके पास NH4CN, नहीं पहले मैं ले लेता हूं NaCl, तो NaCl को देखते ही आपके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट, दोनों अपने में ताकतवर हैं, ना मीडियम एसिडिक होगा ना बेसिक, न्यूट्रल, न्यूट्रल के लिए पीएच इज इक्वल टू पीओएच इज इक्वल टू 7, खत्म बात, कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। दूसरा, अगर सॉल्यूट सॉल्ट है, दिमाग में क्या आया, के एच कॉन्सेप्ट, के एच कॉन्सेप्ट आते ही दूसरी चीज क्या आएगी, ऑप्शन दे रखा है आपको सी एस सी सी डबल ओ एन एच फोर वीक एसिड वीक बेस, तो आपके दिमाग में दो चीजें आ गई, अप्रोक्सीमेट 7 आएगा, न्यूट्रल ही आएगा, लेकिन अगर आपको ऑप्शन 6.9 और 7.1 दे रखा है तो आपको कैसे सेलेक्ट करोगे वो आपको मैं सिखाना चाहूंगा, दोनों ऑप्शन है 6.9 और 7.1, तो फिर इस जगह एग्जामिनर आपको इसके लिए के देगा, सपोज इसने दे दिया 4 × 10^-4 दे दिया, और यहां के भी दे दिया 2 × 10^-2, आंसर आपको आ गया, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, किसकी वैल्यू ज्यादा है, के की के बी के कंपेयर में मोड वाइज, बोलो यस और नो, मीडियम क्या होगा एसिडिक, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, दो चूहे हैं, चूहों की लड़ाई में कौन जीतेगा, चूहा ही जीतेगा, ताकतवर चूहा, थोड़ा सा है, 6.9 करूं या 7.1 करूं, 6.9 सही है, लेकिन अगर ऑप्शन 6.9 और 6.95 आ गया तो क्या करोगे, लेकिन प्रूफ भी करो, 6.95 6.94 और 6.9 में क्या टिक करोगे, तो अब आपको इस तरह का यूज करना पड़ेगा, मीडियम एसिडिक होगा ये तो तय है, के एच मल्टी, बस यहां पर सिर्फ के एच आएगा और के ए, अगर ओ एच करते ओ एच ताकतवर होता तो अंडर रूट के एच मल्टीप्लाई बाय के भी आता,
अंदर है स्क्वायर, क्या होगा स्क्वायर आएगा, बोलो क्लियर है कॉन्सेप्ट्स। और के एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, के डब्ल्यू अपॉन के ए के बी, दोनों होंगे, दोनों होंगे क्योंकि दोनों वीक हैं, तो ओवरऑल क्या होगा यहां पर के डब्ल्यू के ए अपॉन के बी बस। और वैल्यू के ए के बी दे रखा है, के डब्ल्यू मालूम है, आप फटाफट निकालोगे क्या वैल्यू आ रही है। यहां पर के डब्ल्यू अपॉन के ए के बी मल्टीप्लाई बाय के बी स्क्वायर, तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो के डब्ल्यू के ए अपॉन के बी, के बी भी तो लिखोगे यहां ऊपर के बी आएगा और नीचे के आएगा, यहां के ऊपर आएगा, बिल्कुल अपोजिट जा रहे हैं, ठीक है। तो ये निकालने से आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा। तो अब आपने क्या पढ़ा, वीक एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इसके अलावा सारे सॉल्ट पढ़ लिए, सब पढ़ लिए। दो वीक एसिड होंगे, समेशन कर लो के रूट में, के वन के टू के समेशन, के वन और के टू समेशन ले लेना, ठीक है ना, के वन और सी वन पक्का, के वन सी वन के टू सी टू के थ्री सी थ्री, सब रूट में चलेंगे अगर सब वीक है तो, बाकी कोई दिक्कत ही नहीं है। सॉल्ट मैंने करा दिया, ये सब कुछ करा दिया, आ गया समझ में।